सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमिताभ पोद्दार, सभी का स्वागत है हिमाचल कार्डियन टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर बोले कि ये देखो, ये है 500 जीबी का एक हार्ड डिस्क। ये 500 जीबी हार्ड डिस्क को मैं कितना पार्टीशन कर सकता हूँ? मेरा जो एक शॉप है कंप्यूटर का, उस शॉप में बहुत सारा कंप्यूटर आता रहता है हर दिन, और मुझे बोलता है कि फॉर्मेट करने के बाद मुझे 2 पार्टीशन चाहिए, मुझे 3 पार्टीशन चाहिए, और किसी को 5 पार्टीशन 4 पार्टीशन चाहिए। तो अगर आपका पीसी में कोई हार्ड डिस्क है, वो 1 TB हो सकता है, 2 TB या 500 GB का हो सकता है, तो उस हार्ड डिस्क को आप कितना तक पार्टीशन कर सकते हो? तो चलो यहाँ पर दिखाता हूँ। आप पार्टीशन करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, वो भी मैं यहाँ पर देखने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्ट होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैं मेरा डेस्कटॉप में आ गया, और मेरा डेस्कटॉप में मैं पहले डिस पीसी में जाकर दिखा देता हूँ। सी ड्राइव और ई ड्राइव, मेरा 500 जीबी का हार्ड डिस्क है। 500 जीबी में से हाफ करके 2 पार्टीशन है यहाँ पर मेरा, जो यहाँ पर ये पार्टीशन ई पार्टीशन देख सकते हो ना, तो ई पार्टीशन को मैं कितना पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो चलो देखते, और पार्टीशन करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा वो भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन में राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखो आ गया डिस्क मैनेजमेंट। इस डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करो, और डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद पहले मैं यहाँ पर इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन में और एक बार दिखा देता हूँ। इस पीसी में जाके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर देखो i3 सेकेंड जनरेशन लगा हुआ है, और यहाँ पर 4 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक्चुअली इस पीसी में विंडोज 10 जब मैं लेटेस्ट वर्जन को लोड किया था ना, बहुत ही स्लो हो गया था। उसके बाद मैं विंडोज 10 का ओल्ड वर्जन को एक लोड किया, उसके बाद ये पीसी माखन जैसे चल रहे हैं। यहाँ पर कोई SSD नहीं है इस पीसी में, सिर्फ हार्ड डिस्क है, मगर विंडोज 10 ओल्ड वर्जन को लोड करने के बाद बहुत ही फास्ट हो गया। मैं यहाँ पर इस विंडोज का अपडेट भी कर सकता हूँ, मगर बहुत स्मूथ तरीके से रन कर रहे हैं। अगर आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लो है, आप विंडोज 10 को लेना चाहते हो, तो आप विंडोज 10 का ओल्ड वर्जन को ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो, मैं ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट कर दिया, इस वीडियो का आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इस पीसी का, और देखो यहाँ पर 2 पार्टीशन मैंने बोला, सी और ई 2 पार्टीशन है इस पीसी में। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। ये देखो यहाँ पर सी ड्राइव, सिर्फ सारा कुछ जितना सारा ड्राइव था मैंने डिलीट कर दिया मेरा पूरी तरह से। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो सिर्फ सी ड्राइव, एक ही ड्राइव है यहाँ पर, और इस ड्राइव को मैं देखता हूँ कितना सारा पार्टीशन मैं क्रिएट कर सकता हूँ। चलो यहाँ पर राइट क्लिक और श्रिंक वॉल्यूम कर दिया, और श्रिंक वॉल्यूम करने के बाद यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो आप ये कितना तक दे पा रहा है मुझे, 37 तक इतना तक दे पा रहे। चलो यहाँ पर मैं श्रिंक कर देता हूँ, श्रिंक करके मैं देखता हूँ कितना पार्टीशन, देखो अनलोडेड, इसको मैं न्यू करके एक पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। हो गया एक पार्टीशन, और इस पार्टीशन को मैं यहाँ पर फिर से श्रिंक करता हूँ, देखता हूँ कितना देता है। अभी देखो कितना तक दे पा रहे यहाँ पर लगभग 3 GB तक एक पार्टीशन क्रिएट कर रहे। चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ, हो गया, इसको फॉर्मेट करके न्यू वॉल्यूम करके देता हूँ। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो कितना सारा पार्टीशन हो गया, कितना सारा पार्टीशन मैंने क्रिएट कर लिया, और एक से कितना तक यहाँ पर डिफरेंस है मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, 0.04 GB करके एक पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, 3.04 GB करके एक एक पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। देखो जितना सारा पार्टीशन क्रिएट किया ना, वो सबका साइज सेम है, 3.04 GB। 1 GB करके आप पार्टीशन ज़्यादातर नहीं क्रिएट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक दे रहा है, तो 3 GB तक आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, 3.04 GB, 3 GB करके एक ही पार्टीशन क्रिएट होगा। आपका हार्ड डिस्क में जितना स्पेस है उसी स्पेस हिसाब से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, जितना आप चाहते हो पार्टीशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश है कि आपका पीसी का अंदर जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में आप कितना पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर 500 GB तक एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में आप 460 GB तक आपको मिल सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, मगर ये स्पेस में आप 3 GB करके डिवाइड करो, जितना होता है उतना तक आप पार्टीशन आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा भी एक क्यूरियोसिटी था
कितना पार्टीशन में क्रिएट कर सकते हो एक हार्ड डिस्क में से। तो आज मैं यहाँ पर दिखा और आपको दिखाने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपको भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल कांटे के न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जो सबसे करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा नया बड़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया बड़ा वीडियो में। तो टुडेज़ ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।